नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बारिश का दौर चलते करीब 24 से 48 घंटे हो चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब नदी नाले उफान पर की ओर हैं। अक्षत न्यूज आप लोगों से गुजारिश करता है कि कृपया ऐसे में नदी नाले से गुजरने से पहले सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि अब लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले तालाब ये सब उफान पर हैं। हम इस वक्त हैं गोमचा अम्बलिया की उस पुलिया पे जहां पर पानी देखिए अब लबालब हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम पड़े हैं जामनेर के उस रपटे पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह अभी पानी बरसा है और पानी से पूरा लबालब आपको ये क्षेत्र नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे दोस्त योगेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं और आप देख रहे हैं अभी पानी के बारिश से ये पूरी रपटे पे पानी बरसते हुआ नजर आ रहा है, भर रहा है। आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पानी का पूरी पुलिया है यहाँ पर। और आपको एक बात बता रहे, इस पुलिया पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर रेलिंग नजर नहीं आ रही। अगर कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो खतरे से खाली नहीं होगा। और आप हमारे पीछे देखिए किस तरह से बेग में पानी बह रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। लगातार बारिश होने के कारण पुल पुलियों पर अब उफान पर नजर आ रही है। धीरे धीरे पानी का वेग यहाँ पर है। और अगर आप देख रहे हैं कि इस पुलिया पे अगर चारों तरफ निगाह डालेंगे तो आप देखेंगे इस जगह की, आपको बता दें कि ये हमारे पीछे जो नज़र आ रहा है यहाँ पर रेलिंग नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रेलिंग लगी है यहाँ पर रेलिंग नहीं है। अगर कोई भी कुछ खतरा होता है तो लोग जान से हाथ धो बैठते। ऐसी अभी कुछ इससे पहले भी यहाँ पर घटना हुई जिसमें 3 लोग नदी में बह गए थे, जिसमें 2 की मौत हो गई। एक को रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ यहाँ पर निकाला गया था। और आप हमारी तरफ देख रहे हैं पीछे किस तरह से पानी अपने पूरे बैग में बह रहा है। और ये गोचा आमला जो जामनेर से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है ये रपटा, और इस पे लगातार गाड़ियाँ का आवागमन बना रहता है। और बारिश के दिनों में ये पुलिया ओवरफ्लो हो जाती है, इसके ऊपर से पानी बहने लगता है जो खतरे से खाली नहीं होता। नमस्कार, मैं लोकेश सिंह ठाकुर अपने दोस्त योगेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ।